मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें SkyMet मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, SkyMet वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 20 मार्च की शाम का वीडियो है SkyMet वेदर का, और आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 20 मार्च को, जैसे मैंने बताया था कि रात तक पहुंचेगा, तो ये नॉर्थ पाकिस्तान पर पहुंच चुका है और धीरे धीरे ये पहाड़ों को असर करना शुरू कर देगा और कल से पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी जो 23 या 24 मार्च तक चल सकती है। हालांकि इंटेंसिटी अगले 21 और 22 तारीख को थोड़ी ज्यादा रहेगी, 23 और 24 में काफी कम हो जाएगी। ऊंचे पहाड़ों पर हिमपात की संभावना है, स्नोफॉल की संभावना है, लेकिन निचले इलाकों में जो पॉसिबिलिटी है बहुत ज्यादा कम है। जैसे शिमला हो गया, मसूरी, नैनीताल, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में बहुत कम चांसेज है। वैष्णो देवी वगैरह में भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, और बाकी जो मुक्तेश्वर से और ऊपर के इलाके हैं, और जैसे कि ये गुलमर्ग है, श्रीनगर है, लद्दाख के कुछ इलाके हैं यहाँ पर, और बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो इलाके हैं यहाँ पर स्नोफॉल की संभावना ज्यादा बनी हुई है। अब इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख सकते हैं सेंट्रल पाकिस्तान पर बना हुआ है, लेकिन इसका ज्यादा असर उत्तर भारत पर दिखाई नहीं देने वाला है। बादल वगैरह छा सकते हैं कुछ इलाकों में, पंजाब में और पश्चिमी हरियाणा में, लेकिन वेदर एक्टिविटी बहुत ज्यादा हमें दिखाई नहीं दे रही है, ये हम मान के चल रहे हैं। और जो यहाँ पर ट्रफ बनी हुई थी विदर्भ से लेकर के दक्षिण तक आ रही थी, वो लगभग हट गई है, और आप देख सकते हैं कि अब एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो ये बना हुआ है आपका यानी पश्चिम बंगाल के आसपास, ये इस तरह का वेदर आपको दिखाई दे रहा होगा। और एक एंटी साइक्लोन है जो बंगाल की खाड़ी पर है, यहां से भी हवाएं इस तरह से घूम करके आ रही हैं। अब क्या होगा कि पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां अभी जारी रहने वाली हैं। अगर हम सैटेलाइट पिक्चर देखें, ये दोपहर की पिक्चर है 20 मार्च की, इसमें आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरह से इधर से जगह पर दिखाई दे रहा है, ईरान, इराक वगैरह में, अफगानिस्तान के उत्तरी भागों में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि ये जेट स्ट्रीम की हवाएं हैं, तो इस तरह से ये ऊपर की तरफ जाती हैं, तो ये जो बादल है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएगा, और ऐसा लग रहा होगा आपको कि ये अगर सीधा आता है तो राजस्थान वगैरह में बारिश देगा, पंजाब हरियाणा में देगा, लेकिन इस तरह ये नहीं चलते हैं। क्या होता है कि जेट स्ट्रीम की जो हवा है इस समय वो ऐसे चल रही है, तो ये इस तरह से यहाँ पर ट्रफ बनी हुई है। फिर क्या होगा कि ये एक दिन बाद क्या ये जो ट्रफ है वो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी, और ये ट्रफ आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, तो ये जो असर है इसका केवल पहाड़ों पर ही आपको दिखाई देने वाला है, यानी पहाड़ों पर ही ये बादल आएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, मऊ, गाजीपुर, बलिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया था कि बारिश की संभावना है, तो यहाँ पर बारिश की संभावना आज है और कल होते होते मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन बिहार और झारखंड के साथ साथ उड़ीसा के कोस्टल एरियाज और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, और उसके बाद 22 तारीख से बिहार से भी बारिश की गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाएंगी। गंगे, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में ये वेदर एक्टिविटी दिखाई देगी, तो ये कुल मिलाकर के इस तरह से आगे की तरफ चला जाएगा। और अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, पहले ये पिछले 24 घंटे की बारिश अगर हम देखें, तो आप देखिए ये पूरा सिक्किम से लेकर के पूर्वोत्तर राज्यों के ज्यादातर इलाके हैं, केवल जो ये अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम को छोड़ करके बाकी सभी इलाकों में बारिश हुई है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में, बांग्लादेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां आई है। नंबर है बारिश के, कितने मिलीमीटर बारिश हुई है आप देखिए, दक्षिण ये जो पूर्वी विदर्भ के साथ, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और तेलंगाना के एक दो स्थानों के साथ साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां दिखाई दी हैं, यानी कि भारत का ये जो इलाका है ये पूरा इलाका बारिश से सराबोर था, और शिमला और भुंतर में भी हल्की बारिश की गतिविधियां आपको देखने को मिली थी, तो इस तरह का वेदर था। अब जहां पर बारिश हुई थी पूर्वी भारत में, तो उसी के हिसाब से जो टेम्परेचर थे यानी ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर है, जो नीले रंग में आप दिखा रहे हैं, 4 से 6 डिग्री 8 डिग्री तक का फॉल है ये बांग्लादेश, सिक्किम और असम के ऊपर, और उसी तरह से गंगे, पश्चिम बंगाल में 5 से 6 डिग्री का ड्रॉप है, यानी कि तापमान इतने ज्यादा गिरे हैं, उसी तरह से 3-4 डिग्री का जो ड्रॉप है वो मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के साथ साथ पूरे जो ये छत्तीसगढ़ वगैरह, उड़ीसा वगैरह, इन सारे इलाकों में, इस सारे इलाके में आपने देखा होगा कि ये जो टेम्परेचर है वो फॉल इस जगह पर हुआ है, ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप ऑफ टेम्परेचर हुआ है यहाँ पर। तो ये जो इलाका है ये पूरा इस तरह से टेम्परेचर इसमें गिरे थे। अगर हम इसको देखें, ये तो हमने देख लिया, अब हम देखते हैं, एक मिनट, ये इस तरह से देखते हैं, स्टेट वाइज देखते हैं।
तो पंजाब में वेदर सही रहेगा, साफ रहेगा, पठानकोट और हो सकता है होशियारपुर और रूपनगर वगैरह में, चंडीगढ़ वगैरह में 21-22 तारीख को हल्की फुल्की बौछारें या बादल की मेघ गर्जना वगैरह हो जाए, बाकी इलाके शुष्क रहेंगे, गर्म रहेंगे और मिड 30s तक अब टेम्परेचर पहुंच जाएंगे। होली के आसपास यहाँ 33-34 डिग्री का तापमान आ जाएगा। हरियाणा में भी अब टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं, दक्षिणी हरियाणा में, दिल्ली में भी टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं। दिल्ली में 33-34 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आ सकता है होली के समय। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी आज, जैसे मैंने बताया कि कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, इस इलाके में, कुशीनगर, महाराजगंज, इन इलाकों में बहुत हल्की बारिश के चांस है। कल से मौसम साफ हो जाएगा और लेकिन पूरा जो उत्तर प्रदेश है ये अब बारिश नहीं देखेगा। बिहार में आज और कल बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, उसके बाद बिहार भी पूरी तरह साफ हो जाएगा। राजस्थान में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। उत्तरी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये जो इलाके हैं यहाँ 34-35 डिग्री के टेम्परेचर हैं। और नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो इस तरह से है, यहाँ पर आपके 36 से लेकर के 38 डिग्री के टेम्परेचर रहेंगे, यहाँ 34 से लेकर के 36 डिग्री के टेम्परेचर इस इलाके में आपके रहने वाले हैं। तो इस तरह का वेदर यहाँ पर रहेगा, लेकिन मौसमी गतिविधियां कोई भी दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश में जो बारिश की गतिविधियां हो रही थी अब पूरी तरह से हट जाएंगी, मध्य प्रदेश साफ हो जाएगा। कल से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर जो यहाँ पर गिरे थे, सीधी, सतना, सिंगरौली, कटनी, जबलपुर, शहदोल, उमरिया, डिंडोरी, मांडला, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, इस सारे इलाके में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होने वाली है अगले 2 दिनों के दौरान और बाकी इलाकों में गर्मी बरकरार रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी अब मौसम साफ होने लग जाएगा, कल से यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी और टेम्परेचर जो गिरे हैं वो फिर से बढ़ने लग जाएंगे। उसी तरह से झारखंड में आज वेदर एक्टिविटी कुछ इलाकों में रहेगी और उसके बाद कल से मौसम साफ हो जाएगा और यहाँ पर भी तापमान बढ़ेंगे। उड़ीसा में जो वेदर एक्टिविटी है वो कोस्टल एरियाज में कल रहेगी और उसके बाद परसों से यानी 23 तारीख से पूरा उड़ीसा साफ हो जाएगा और होली के समय यहाँ पर कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं होगी। कुल मिलाकर के होली उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सूखी रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल में हो सकता है 1-2 स्थानों पर होली के दिन बहुत हल्की बूंदाबांदी हो जाए। कुल मिलाकर के ये सूखी होली ही दिखाई दे रही है। गुजरात काफी ज्यादा गर्म हो गया है, 38 से 39 डिग्री के आसपास तापमान इंटीरियर्स में हो गए हैं और कोस्टल एरियाज में 33-34 डिग्री के आसपास तापमान है, यानी कि भीषण गर्मी का प्रकोप यहां पर आ गया है और जल्दी ही 40 का आंकड़ा भी कुछ इलाकों में पार हो जाएगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी अब, जैसे कल जो 21 तारीख के आसपास अगर हम देखेंगे तो धुले, नासिक, पालघर और मुंबई, अहमदनगर, पुणे, औरंगाबाद, जलगांव, बुलदाना, ये सारे इलाकों में 38-39 डिग्री तक के तापमान पहुंच सकते हैं, उसके बाद फिर से ड्रॉप होगा। उसका कारण ये होगा कि जो ये हवाएं हैं वो यहां से इस तरह से ये जो गर्म हवाएं यहां पर आएंगी तो ये जो इलाका है काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा, यहाँ 37 से 39 डिग्री के टेम्परेचर आ सकते हैं, हीट वेव जैसी कंडीशन आ सकती है, लेकिन उसके बाद टेम्परेचर में ड्रॉप होगा और मुंबई में होली के दिन 34 या 35 डिग्री का तापमान आ जाएगा। और अगर और आगे चलते हैं, गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की फुल्की बारिश रहेगी, आज पूरे में रहेगी और 2 दिनों के बाद गंगे पश्चिम बंगाल में रहेगी और धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में अब केवल केरल में कुछ बारिश की गतिविधियां रहेंगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी वो समाप्त हो जाएगी, तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, गर्मी का प्रकोप बढ़ जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी मौसम लगभग साफ रहने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी क्लिप में मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।